कई बार हमारे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलों में जलन होती है और हमें लगता है ये बस ऐसे ही हो रहा होगा और इस तरह से हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हाथों और पैरों में जलन का अनुभव होना गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस वजह से इन संकेतों को समझें और देखें कि क्या गंभीर समस्या आपको हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको पैरों में जलन अनुभव होती है, हाथों में जलन अनुभव होती है, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, वास्तव में जब हमारे पैरों के तलवों और हथेलियों में दर्द होता है तो इसका मेन रीजन होता है कि हमारी नसों, हमारी न्यूरॉन्स, हमारी तंत्रिकाओं का कमजोर होना। कई बार जब आपकी तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और या फिर आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और सही से आपके तलों, आपके हथेलियों तक जो सेंसेशन है वो पहुंच नहीं पाता है या ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी कंडीशन में पैरों में जलन और हाथों में जलन होने की संभावना होती है और ये सारे संकेत दिखाई पड़ते हैं। अब न्यूरॉन्स कई वजह से डिफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला रीज़न आता है डायबिटीज़। कई बार जो पेशेंट को डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ जब बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जब डायबिटीज़ अपने चरम पर पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन में डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या देखने को मिलती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता क्या है कि शुगर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं और जो तंत्रिकाएँ हैं उनको नुकसान पहुँचता है और जिसकी वजह से वो काम करना कम कर देती हैं और इस तरह से फिर आपको हाथों और पैरों में जलन का अनुभव होता है। और अगर हाथों और पैरों में जलन का अनुभव आपको लगातार हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत डायबिटीज़ के सिम्टम हैं, तो आपको डायबिटीज़ चेक कराना चाहिए और फिर डायबिटीज़ का सही से इलाज करना चाहिए, बाकी धीरे धीरे आपकी न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो बड़ा रीज़न होता है, वो मेन रीज़न होता है जो नॉर्मल पेशेंट में होता है, वो है विटामिन्स और पोषक तत्वों की कमी। यानी कि शरीर में कई बार विटामिन्स की कमी जब हो जाती है तो ऐसे में पैरों में जलन की समस्या अक्सर देखी जाती है, जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B9 यानी फोलेट की कमी की वजह से आपको मेनली आपके हाथ पैर में झुनझुनाहट देखने को मिल सकती है, जलन देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें विटामिन B12 सबसे कारगर होता है, यानी कि विटामिन B12 जब भी आपके बॉडी के अंदर कम होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको हाथों और पैरों में जलन का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सही नहीं हो पाता है जब हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। इस तरह से अगर आपको ऐसी सारी समस्या आ रही है तो अपने खाने में विटामिन बी की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड विकारों की वजह से भी हो सकती है ये समस्या, यानी कि थायराइड विकार में जैसे आपको अगर अंडर एक्टिव थायराइड होगा, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको थकान, आपका वजन बढ़ना, त्वचा का सूखा हो जाना, इसके अलावा भी और सारी समस्या जैसे कि हाथों पैरों में जलन का अनुभव हो सकता है। तो यानी कि हाइपोथायराइडिज्म भी ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप प्रॉपर विटामिन बी ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको थायराइड में समस्या है, आपको थायराइड की टेस्टिंग करानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो लास्ट कारण होता है वो है संक्रमण। कई बार हमारे बॉडी के अंदर में कुछ संक्रमण होता है, जैसे लाइम डिजीज, HIV, सिफिलिस, ये सब ऐसे संक्रमण होते हैं, ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपको पैरों में जलन का अनुभव हो सकता है, पैरों में जलन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको इन सब की भी जांच करानी चाहिए अगर थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं इनके, ठीक है। अगर आपको लंबे समय से ऐसी समस्या आ रही है तो कोशिश करें कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बाकी की जो इन्फेक्शन है उनकी जांच कराएं। तो कहने का मेरा मतलब इतना है कि अगर आपको हाथों पैरों में जलन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये समस्या लगातार चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको क्या समस्या हो सकती है, जिससे आप इसे निजात पा सकें। नहीं तो अगर आप नज़रअंदाज करते रहेंगे तो बाद में समस्या बढ़ सकती है, इस वजह से ध्यान रखें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया पैरों में जलन महसूस होने के क्या रीज़न हो सकते हैं और किन बीमारियों का संकेत हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों, इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।